तो स्ट्रगल करो, आप लोग भी हसल करो, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। चलो भाई, स्टिक किया शेट गाइस, अगर ये वीडियो अगर चल गया ना, सही में अगर ये एक्सपेरिमेंट वर्क कर गया ना, तो आई थिंक आई शुड गेट एडमिशन इन लाइक एनी वर्कशॉप, क्योंकि यार मुझे ये देखना है कि ना लोगों का क्या रिएक्शन आते हैं, एंड सबसे ज़्यादा मेरे मॉम डैड या फिर मेरे रिलेटिव क्या रिएक्ट करेंगे। वैसे मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बट फिर भी मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो कुछ लोग ना कुछ ना कुछ लोग तो यार कहेंगे कुछ भी, इससे क्या होता है। एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यार एक क्वेश्चन आप सभी से, क्या आप लोग कभी मस्ती मजाक करते हो अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने यार भाई बहनों के साथ? बहुत लोग करते होंगे राइट। तो मेरा ये मानना है कि ना, अगर आप मस्ती मजाक करते हो एंड सामने वाला अगर उसको नहीं समझ पाता, डेट मीन्स यू आर ए ग्रेट एक्टर। तो जैसे मैंने एक कल छोटा सा मस्ती किया था, तो उस मस्ती के दौरान बहुत को समझ में नहीं आया, कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया, घर से कॉल वॉल आ गया। तो ये सीन था, तो जैसे कि थिएटर या फिर सिनेमा हॉल पे जो एक्ट करते हैं वो मस्ती कर रहे होते हैं, एंड जो ऑडियंस है उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो रियल हो रहे हैं। तो ये चीज़ हुआ अभी फिलहाल मेरे साथ लास्ट वीडियो में। तो हुआ कुछ यूँ कि यार कल यार मेरा अचानक से ऐसा मूड बन गया था कि यार क्यों ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जहाँ पे मैं कहूँगा कि यार मुझे करना है एक्टिंग क्लासेस, तो उसके लिए यार मुझे थोड़ा सा फंड चाहिए, थोड़ा डोनेशन चाहिए। तो उसके चलते मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए एक हिंट दे दिया था कि यार मैं रिक्वेस्ट करूँगा फॉर द डोनेशंस, लाइक फॉर द फीस दैट आई एम गोइंग टू लाइक ज्वाइन एक्टिंग क्लासेस। रिएक्शन आया बहुत ही मतलब कि बुरी तरीके से आया रिएक्शन। एक तो रिएक्शन आया कमेंट में आया, एंड दूसरा रिएक्शन आया घर वालों से आया रिएक्शन। बट ये जो इसका पीछे जो रीजन था ना करने का, तो मुझे बस ये चेक करना था कि यार लोग कितना सीरियसली लेते हैं मेरे बात को। तो ये प्रूव हो चुका है कि ना लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस एंड सीरियसली वैसे ही लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर रिएक्टिंग। तो हुआ कुछ यू कि यार मैं एक महीने से सोच रहा हूँ कि एक्टिंग क्लासेस लेने का, जो कि मेरे ड्रीम है एक्टिंग करने का, एक्टिंग सीखने का, प्ले करने का। तो उसके चलते मैं धीरे धीरे एक एक व्लॉग में मैं आप लोगों से बात करता गया, एंड सडनली कल मुझे ऐसा थॉट आया कि यार मेरे पास एक तो कंटेंट होता नहीं है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करते हो तो सोचे कि एक कंटेंट भी निकल जाएगा। तो यार पूछ भी लेते कि यार अगर मैं डोनेशन अगर आपसे मांगता हूँ तो आप लोग क्या मुझे हेल्प करोगे? मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है चलो भाई आप करो यार हम हैं आपके साथ, बट ऐसा बहुत ही कम होता है। यूजली ये तब होता है जब आपका फैन बेस बड़ा हो, जब आपको जाने बहुत लोग फॉलो करें, तब जाके होता है। अदरवाइज यार छोटे मोटे व्यूज में एक दो तो यार नेगेटिव कमेंट्स निकल जाते हैं। इससे ये बात साबित होता है ना लोगों को बस आपको जज करना इमीडिएट। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कहूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो के लिए लोगों ने वेट किया नहीं, इवन मेरे पेरेंट्स ने वेट नहीं किया, तो उन्होंने रिएक्ट कर दिया। जब आप ऐसा सोचते हो कि आप कुछ करने के लिए जाते हो एंड आपको एक्ट करना पड़ता है, तो मुझे ये लग रहा था मैं थोड़ा एक्टिंग वेक्टिंग करूँ, थोड़ा ये करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो व्लॉग है, व्लॉगिंग और ये एक्टिंग को थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा एक इस तरीके से यार इसे बनाए कि यार लोगों को थोड़ा रियल लगे दिखने में। तो हुआ कुछ यू सेम, एंड आई एम ग्लैड कि यार कुछ तो दिखा यार मेरे में आप लोगों को। वैसे सैनफोर्ड माइसनर ने ये कहा था कि यार एक्टिंग इज बिहेविंग ट्रूथफुली अंडर योर इमेजिनरी सर्कमस्टेंसेस। तो जस्ट थोड़ा मुझे टाइम लगा वो बिल्ड करने के लिए, एंड व्लॉग और एक्टिंग का कॉम्बिनेशन से वो वीडियो मैंने बनाया था वैसे। तो यार देखते हैं कल के रिएक्शन कैसा था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, आई डाउट कि यार ये मेरे सारे व्लॉग्स देखते हैं, सो ही नोज माई लाइफ स्टाइल कैसा है। तो इसने फर्स्ट लिखा कि रोमिंग इन ऑटो वेयरिंग ब्रांडेड क्लॉथ्स एंड आस्किंग मनी फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, शेम ऑन यू। नो आस्किंग फॉर डोनेशंस फ्रॉम सब्सक्राइबर्स इज वेरी रॉन्ग। व्हाई एनीवन विल हेल्प यू फॉर योर पर्सनल थिंग राइट? हाउ डिड यू थिंक इवन पीपल विल डोनेट टू पुअर और नीडी हु आर नॉट गेटिंग फूड? टेक फ्रॉम योर फैमिली, व्हाई वी विल गिव यू दैट टू फॉर योर सिली एक्टिंग क्लासेस? ठीक है चलो मान लिया। No one give you single penny, just wait and watch. How can you be so immature? आपने ये गाना तो सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या ना, तो वो चीज़ है। बट यार इस बंदे ने जो भी लिखा है वो राइट है, ये मुझे फॉलो करते हैं, ही नोज माई लाइफ स्टाइल, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ। इंटरनेट में ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग डोनेशन उठाते हैं, खुद के बेनिफिट के लिए भी उठाते हैं एंड लोगों को हेल्प करने के लिए भी उठाते हैं। वो चीज़ है इंटरनेट में चलते हैं, आप ऐसा मत मानना कि यार कोई हेल्प नहीं करता, इंटरनेट में बहुत सारे हेल्प करने वाले। आज सुबह क्या हुआ मैं बोलता था, आज सुबह ये हुआ, मम्मी को कॉल आया, पापा को कॉल आया, उन्होंने मुझे कॉल करके खूब सुनाया। तो मैंने पहले पूरा सुना उनका जो भी बात है पूरा सुना, तो उन्होंने लास्ट में ये कहा कि यार अगर तुझे पैसा चाहिए होगा तो यार तू हमसे मांग ले, अगर तू भी क्यों मांग रहा है। तो उसके जवाब में मैंने उनसे बस यही कहा कि यार इट वॉज जस्ट ए स्मॉल एक्ट जो मैं कर रहा था, उसके लिए मैं कम से कम आधे घंटे तक मैंने थोड़ा सा सोचा, प्रैक्टिस किया, उसके बाद जाके वो वीडियो बना, तो आप इसे सीरियसली मत लेना।
तो आई नो यार मेरे पेरेंट्स दे देंगे, नॉट इवन लाइक पेरेंट्स, मेरे इतने अच्छे से दोस्त हैं ना, मैं अगर पैसा मांगता हूँ 20-30-40 हज़ार वो इजीली दे देंगे, बट इसके चलते मुझे उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, दिस इज व्हाट आई फील। तो मुझे अभी क्या करना है, मैं अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ मुंबई में, तो वो चीज़ थोड़ा फील करना है। एक आर्टिस्ट को ये चीज़ फील करना होता है, लाइक स्ट्रगल करना होता है, छोटा छोटा पैसा जो सेविंग करना होता है, तो कहीं ना वो चीज़ वो फेज में हूँ मैं। तो मैंने बहुत सारे लाइफ के ऐसे फेज मैंने एक्सपीरियंस किए हुए, अब फिलहाल मैं इस फेज में हूँ जहाँ पे मैं घर वालों से भी पैसा नहीं लेता, मैं यार लेना छोड़ दिया। तो जितने भी मुझे आसपास से पैसे आ रहे, यूट्यूब से पैसे आते हैं, मेरे कुछ एक चीज़ मैंने स्पॉन्सर मैंने किया था उस चीज़ के मेरे पैसे आते, तो मिलजुल के मेरे पास एक ऐसा अमाउंट है जहाँ पे मैं एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, बट मुझे फिलहाल अभी इमीडिएट नहीं करना, तो थोड़ा टाइम लेते हैं, ब्लॉग को भी थोड़ा अच्छा खासा बनाते हैं। एंड वैसे यार वीडियो को एंड करने से पहले देखते हैं यार पापा का रिएक्शन क्या था फोन पे। अरे हो ही ना रे, इट वाज लाइक स्मॉल एक्सपेरिमेंट और कहीं भी नहीं हुई नो। चाहिँदैन हो पैसा हैन, मैले सल्लाह पनि गरिदिए तलाई, तँ उसमा जाने छ भने म दुई चार पैसा तलाई। अरे थैंक यू सो मच, बट राइट नाउ आई डोंट नीड ऑफ मनी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। इंटरनेट या फिर यूट्यूब में ना कुछ भी चलता हो, लोग कुछ भी कहते हैं, 100% बिलीव मत कीजिएगा, ठीक है? ये एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे तरफ से, क्योंकि यार बहुत लोग ऐसा करते हैं, स्क्रिप्टेड करते हैं वीडियो को, ब्लॉग को स्क्रिप्टेड बनाते हैं, आप इमोशनल बन जाते हो, प्रूफ के लिए वो एक दो चीज़ दिखा देते, बट यू नेवर नो यार उन लोग में भी यार आपसे लाई करते, मतलब कि झूठ बोलते हैं, उसके थ्रू यार आप उसको डोनेशन करते तो यार उनका वो आप फायदा उठाते हैं ऑडियंस का। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है वैसे इंटरनेट में, वो चीज़ आपको समझना है कि ना कौन ऑनेस्ट है आपके साथ, कौन ऑनेस्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर से यार बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, सभी को पता है, तो नाम तो वैसे हम लेंगे नहीं यहाँ पे, बट फिलहाल मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ना एकदम से विश्वास नहीं करने का, रेस्पॉन्स बिफोर यू रिएक्ट। तो गाइज आज के ब्लॉग के लिए बस यही था, आई हैव टू गो ऑफिस, थोड़ा लेट हो गया, तो मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, चलो बाय गाइस, टेक केयर।